चढ़ाई आ रही, ये लगा जल्दी से। Thank you.
जवान लड़की की चुनरी इस तरह फेंकने की चीज है क्या? ये तो खुद जाके फेंट की जाती है। हाँ, तुम्हें तो हर जगह खूबसूरत जवान लड़के ही दिखाई देती है। अगर ये किसी काली कलू की खुसट का हुआ तो मैं इसकी पहचान गई तो आंखें चाहिए आंखें। अरे भैया, आंखें वाले तो खत का मजबूत भाप लेते हैं लिफाफा देख कर। बैठ यहाँ, मैं देख आता हूँ। ये दुपट्टा तुम्हारा है? ये खेत तुम्हारा? तुम्हारा नाम क्या है? मैंने पूछा सरकार, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हें क्या मतलब? हमें कुछ मतलब है तभी तो पूछते हैं हम। बिजली हो बिजली। ओ भिजनिया, भिजनिया हो। ओ भिजनिया, भिजनिया हो। ओ भिजनिया, ओ छेती आई छेती। आया आया आया। भिजनिया हो। आया। ओ भिजनिया। आया। ओ ये सारे खानदान को बुलाने की क्या जरूरत है? हम तो सिर्फ तुमसे बात करने आए थे। तुम कहते चले जाते? हुआ नहीं होने वाला, जल्दी कर, जल्दी। हाँ जल्दी चल चल चल। आखिर हुआ क्या है, कुछ बताएगा? अरे तू अपनी ये नखरेबाजियां छोड़ दे। हाँ, अभी वो जल्लाद यहाँ पहुंचेगा। जल्दी कर, जल्दी। देश और मजहब में पाप समझी जाती है, वही बात किसी दूसरे देश और धर्म में क्यों पाप नहीं होती? क्या तुम अच्छे बुरे का एक ऐसा म्यार, एक ऐसा तराजू बता सकते हो जो कि हर देश, हर धर्म और हर इंसान के बारे में लागू हो सके? है कोई इसी कसौटी? हाँ है। अच्छे बुरे का सबसे बड़ा म्यार एक ही, और वो है किसी का दिल ना दुखाना, किसी के जज्बात या किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाना, और बस यही पुण्य है और यही। ये जो तुम 18वीं सदी की जज्बाती शायरी करते हो ना, बस इसी ने तुम्हारी लुटिया डुबोगी। अरे कवि महाराज, ये 20वीं सदी है, 20वीं सदी। आज का इंसान जज्बात और भावनाओं के पीछे अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। आज का धर्म मादा परस्ती, समझे, मादा परस्ती। अगर दुनिया में कुछ तरक्की करनी है तो मटीरियलिस्ट एंगल से चीजों को देखना सीखो, समझे। तुमने अभी तक वही एक एंगल देखा है गोपाल, किसी के सच्चे जज्बात नहीं देखे, वरना तुम इन पहाड़ों के बीच खड़े होकर भी ऐसी बातें ना करते। लेकिन शायद इसमें तुम्हारा भी दोष नहीं, क्योंकि सच्चे जज्बात सिर्फ सच्ची मोहब्बत ही पैदा कर सकती है, और तुम ठहरे वासना और हवस के पुजारी। अरे भैया, तुम किस चिंता में पड़ गए हो? कि प्रेम और मोहब्बत शायरी वारी करने के लिए ठीक, वरना आज की अमली जिंदगी में तो इन घिसे हुए लफ्जों का कोई काम नहीं रहा। अरे बाबू राम, ये सब जिनसी भूख का मसला है। दरअसल शादी वादी का झंझट ही गलत, ये तो जहाँ भूख लगी वहीं मिटाली वाला उसूल होना चाहिए। अपने राम तो इसीलिए इस मामले में फ्री आंसर है, यानी जिस जगह पर जा लगी वही किनारा हो गया, कोई जहां भी आ मिला वही हमारा हो गया। ठीक है, गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना था। ये बात हुई ना, जा जल्दी कर, सांझ से पहले किसी पड़ाव पर तो पहुंच जा, वरना कहीं रात को तुम्हारी इस लाडली को धक्के लगाने पड़ गए ना तो मोहब्बत मोहब्बत सब निकल जाएगी। मैं इस बात को नहीं मानता कि मोहब्बत कोई शहर या कि वो एक बेकार सी चीज है। तुम्हारे ना मानने से क्या होता है,
अच्छा ये बता कि जब पहाड़ पे इतनी लड़कियां मिलती हैं क्या वो समझ से मोहब्बत करती हैं? कौन जाने उनमें से कोई सचमुची करती हो और जो नहीं करती उनके नजदीक जिनसी फूक से ज्यादा पेट की फूक का सवाल है गोपाल। अच्छा भी अपनी लेक्चरबाजी बंद भी करोगे या नहीं? बोले उस मोड़ के पीछे सतपुड़े का गांव, गाड़ी पड़ाव सीधा डाक बंगले में रुक लेना। क्यों? अभी तो बहुत वक्त है, हम आसानी से शहर पहुंच सकते हैं। अरे नहीं भैया नहीं, बड़ा गजब हो जाएगा। हाँ मुझे यहाँ किसी से मिलना। किसी से क्यों, किसी लड़की से कहो। चलो किसी लड़की से सही। मगर है कौन? अरे तुम्हें याद नहीं कि पिछले साल पहाड़ से लौटते हुए मैं एक रात यहीं रहे थे, बस तभी मिली थी। मगर चीज खूब है यार, यूपीस के माँ बाप मर चुके हैं, बस हमारी तरह आजाद, लेकिन है बड़ी चालाक। अरे तुम जैसों को उल्लू बनाने वाली बहुत सी बातें की उसने, कि देखना तुम मेरा दिल ले चले हो। अब साल भर मेरी आंखें इसी सड़क पर बिछी रहेंगी और जब तक तुम नहीं आओगे मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। तुम्हें आपका इंतजार हो रहा बेकरार है, छाई बहार है, आजा मुरे बाल माँ तेरा इंतजार है। जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मुरे बाल माँ तेरा इंतजार है। ओ, सूरज देखे चंदा देखे सब देखे हम तरसे हो, सब देखे हम तरसे। देखे सब देखे हम तरसे हो, सब देखे हम तरसे। जैसे बरसे कोई बदरिया ऐसे अखियां बरसे, जैसे बरसे कोई बदरिया ऐसे अखियां बरसे, ऐसे अखियां बरसे। दिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मुरे बाल माँ तेरा इंतजार है। दिया बेकरार है। Thank you.
जी तुमने। अरे पगली, मैं आ तो गया, वरना वो तो मुझे आने ही नहीं देते थे। हाँ वो कौन, क्या कोई दूसरी? अरे वो घर वाले, वो कहते थे साल किसी दूसरे पहाड़ पर जाऊं, लेकिन क्या करूं, मुझे तो अपना वादा याद था, इसलिए तुम्हारी खातिर घर से भाग कर आया हूं। तुम खुद नहीं आए, तुम्हें मेरी आहें खींच लई। छो जी, कोई आहें न हुई रस्से हो गया। किसी ने सच कहा है कि मर्द अगर जान भी दे दे तब भी औरत को एतबार नहीं होता कि वो सचमुच मर बेटा। इस तरह नहीं, ये तो पानी से धोए जाएंगे तब साफ होंगे। तुम्हारे चरणों के लिए तो मेरी आंखों का पानी बहुत। ना भाई, क्या पता इस पानी के साथ तुम्हारी नजरें भी मिली हुई हो, और कोई एक आध नजर बेचारे पैरों को लग गई तो मैं कहां से मंत्र टोना कराता फिरूंगा। तुम अब भी बिल्कुल वैसे ही हो। देख लो फिर, मानती हो ना कि तुम्हारी खातिर अपने आप को बिल्कुल वैसे का वैसे ही ले आया हूं। ठहरो, गर्म पानी। अरे नीला, वो गई। वो कौन? अरे वही, वो जो दूसरी लड़की आई थी अभी। क्यों? अरे मेरे भोले जल्लाद, खुद ही कत्ल करके पूछते हो कि साहब तुम मर क्यों गए? हाँ अरे भाई, तुम्हीं ने तो पिछले साल कसम दिलाई थी कि मैं किसी दूसरी लड़की का मुंह तक ना देखूं। बस देख लो, तब से आज तक अगर कभी कोई लड़की सामने आ भी जाती है ना तो बस इसी तरह आंखें बंद कर लेता हूँ। हाँ अब तो यह हाल है कि सोते जागते सिर्फ तुम्हारी सूरत आंखों में घूमती रहती। ये क्या किया? मैंने देखा कि मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही हूँ। मुझे एतबार क्यों नहीं होता बाबू कि तुम सचमुच मेरे पास हो? क्या सचमुच किसी और लड़की ने अब तक तुम्हें मोह नहीं लिया? वाह ये भी खूब रही है। अरे भाई कहो तो मैं तुम्हें स्टाम्प पर लिख दूं, अगर तुम मुझे कभी किसी और लड़की से बात भी करता देख लो तो मेरी गर्दन मार देना। ऐसी शुभ बातें नहीं की सकते। हाँ अगर किसी दिन मैंने तुम्हें किसी और लड़की के साथ देख लिया तो याद रखना मैं कुछ खा लूंगी। ऐसी शुभ बातें क्या करते? हाँ तूफान है बाबू। हाँ हाँ, वो दूसरे बाबू जी कहाँ गए? बाहर गए। इस तूफान में उन्हें डर नहीं लगता क्या? वो इससे क्या डरेगी, वो इस वक्त इससे भी बड़े किसी तूफान से खेल रहा होगा। क्या इससे भी बड़ा तूफान आ रहा है? आ रहा है, आ चुका होगा। कहाँ? जहां दो दिल मिले। अब तो मुझे
जाओगे, अपने साथ ले चलोगे ना? भाई कहा तो है कि वापस लौटते हुए तुम्हें साथ ले चलूंगा। वापस कब लौटोगे? यही दो एक महीने में, तब तक बरसात भी शुरू हो जाएगी। जाने तुम किस बरसात की बात करते हो। बरसात का मौसम एक ही होता है साल, वो भी तुम्हें जानती। इतना ही जानती हूँ कि तुमसे दूर रहकर मेरी आंखों में बारह महीने बरसात रहती है। तुम तो फिर शायरी शुरू करने लगी, हमें दुआ ही नहीं आई। घंटे दो घंटे सोने सुबह उठ कर फिर जाना। मैं सवेरे तुम्हें नहीं जाने दूंगी। वहाँ क्यों नहीं? और वो जो मेरा दोस्त नीचे डाक बंगले में बैठा मेरी जान को रो रहा होगा। अच्छा, ये उस पर भी इनायत का ख्याल कब से शुरू हुआ? अरे वो तो थकत आदमी है। भगत आदमी है तो उसे जरूर बुला लो। अच्छा जी, और हमारी भक्ति पसंद नहीं आएगी? तुम क्या भक्ति करोगे बाबू, कहीं भगवान भी भक्ति किया करते हैं। आखिर बात क्या है? बात ये है कि कल सवेरे ऊपर वाले गांव में उत्सव होगा। मैंने भगवान के आगे मन्नत मानी थी कि अगर तुम उत्सव से पहले आ गए तो मैं उत्सव में पूरे सिंघार के साथ नाचूंगी। इसीलिए तो तुम्हें रोक रही हूँ कि अगर भगवान ही यहाँ ना हो तो मैं किसके सामने नाचूंगी। तो ये बात है हा? तो कल सुबह फिर तक दिना दिन दिना दिन तक दिना दिन दिना दिन। जा रहे
मेरी जान की कसम, जान की कसम, बरसात में, बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। जल्दी करेंगे तो शाम तक यहां से शिफ्ट करके फिर क्लब जा सकेंगे। चलो मगर ये तुम्हें हुआ क्या है जो भोंदू की तरह बस टुकुर टुकुर देखे जा रहे हो? कहीं अभी तक उस लड़की की आंखें तो नहीं दिखाई दे रही? हाँ कभी इसी का ख्याल सता रहा हो? हाँ पापा, ख्याल तो उसी का आ रहा है। बस बेटा हो गए घायल दो ही बातों में। अरे मियां कितने कच्चे खिलाड़ी, जरा हमारी तरफ देखो कि जहां से एक बार गुजर गया बस दरिया की लहरों की तरह गुजर गया, लौट के फिर उस घाट का ख्याल तक नहीं आया। और थोड़े घाट पड़े रास्ते में। यही तो मैं सोच रहा हूँ कि कहीं तुम्हारा ये फलसफा उस लड़की के सामने आकर हार ना माने। क्यों? तो बहुत खूबसूरत है इसलिए। लेकिन भैया मेरे यहाँ तो एक से एक खूबसूरत पड़ी, अभी तुमने देखा ही क्या है? नहीं, खूबसूरत का सवाल नहीं गोपाल, बल्कि उसे देखकर मुझे पक्का विश्वास हो गया कि यही वो लड़की है जो तुम्हें सचमुच प्यार करती है। और मैं डरता हूँ अगर उसका प्यार सच्चा है तो कहीं वो दरिया की लहरों का रुख फेर कर न रख दे और फिर एक दिन तुम्हें खून के आंसुओं की भेंट लेकर उस देवी के चरणों में न जाना पड़ जाए। अजी आप किस चिंता में पड़ गए कवि महाराज? स्वयं तुम्हारे उस भगवान के घर से भी कोई औरत चलकर आ जाए ना तो वो भी इन आंखों में नमी तक नहीं ला सकती। तुम तो आंसुओं की बात करते, वो भी खून के। आज तुम मेरी बात पर हंस सकते हो गोपाल, लेकिन याद रखो कि प्यार का सौदा इतना सस्ता नहीं होता। एक दिन तुम्हें इसकी कीमत मालूम होगी और तब तुम जिंदगी भर के आंसुओं से भी उसकी कीमत नहीं चुका सकोगे। कीमत? शायद आपको पता नहीं कि मैं प्यार का भी उधार नहीं करता, हमेशा नकद कीमत अदा करता हूँ। नकद? हाँ, अभी कल ही तो 10 रुपए नकद देकर आया हूँ। यही है ना वो नोट, गौर से देखो। हैरान क्यों हो गए? अभी तो वो दूसरा नोट भी मेरी जेब में रखा जो तुमने उसे पिछले साल दिया था। ये नोट उसने तुम्हें क्यों दिया? ताकि मैं उसके लिए एक अच्छी सी साड़ी ले आऊं जिसे पहनकर वो दुल्हन की तरह तुम्हारे घर जा सके और तुम्हारे घर वाले ये ना कहें किसी गंवार लड़की को ले आया। तो ये बात है भाई, लड़की भोली नहीं है। उसने 20 की जगह 200 के कपड़े मांगे हैं, 200 के, समझे? अरे भैया तुम इन औरतों को नहीं जानते, जितनी भोली दिखाई देती है ना उतनी भोली होती नहीं। खैर भाई बात का मजा आ गया, चलो इसी खुशी में जल्दी से तैयार हो जाओ। मकान दिखाने वाला एजेंट नीचे ही खड़ा, चल गया और देर से चिल्ला रहा। चलते चलते हाँ बाबू जी, वो बड़ा चंगा मकान होंगे बाबू जी, बड़ा हवादार मकान है। वो मकान भी होंगे तो बोट भी होंगे बाबू जी, आधा पानी तो होंगी आधा जमीन थे। बाबूजी इसका नजारा देखो, ये भी बाबूजी तू इधर आ जा, बाबूजी तू इधर आ जा, बाबूजी हट जा, छोड़ो हट जा, छोड़ो तू मार,
पूछो। चौकीदार है ना, इसका चौकीदार उस पार चौपड़े में नंदीश बाबू जी को। ओ गंजू हो, गंजू हो, ओ गंजू हो, गंजू हो, ओ गंजू हो, गंजू। क्या नाम है उसका? गंजू, गंजू। उसका सर गंजा होती ना बाबू जी, बोल सब साफ कर दीस। इस वजह से उसने गंजू कह दी बाबू जी। हाँ बाबू जी, बाबू जी सारा इनाम मिलती है ना बाबू जी। हाँ बाबू जी, सुना प्राण तुमने, उसका नाम गंजू। हाँ बाबू जी, ऐसा तो नाम है। बिल्कुल सब साफ कर दीस। गंजू तो ठीक है, मकान हमें कौन दिखाए? मैं दिखा दीस बाबू जी, वो भी दिखा दीस, मैं दिखा दीस, दिखा दीस। किसी लड़की की आवाज, तुम्हें तो लड़कियों की आवाज ही सुनाई देती। मैं कहता हूँ जरूर किसी लड़की की आवाज, मैं कभी गलती करी नहीं। क्या चाहिए बाबू जी? क्या चाहिए बाबूजी? हमें ये मकान चाहिए, क्या किराए के लिए खाली? खाली तो है, पर मेरा बापू घर पर नहीं है। बापू घर पर नहीं है तो तुम ही खोल कर दिखा दो ना। मैं दिखा तो दूंगी, पर किराए का फैसला तो। किराए की फिक्र ना, अगर हमें मकान पसंद आ गया तो जो तुम्हारा बाप कहेगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ दे देंगे, सब कुछ दे देंगे। हाँ बेटा, ये हुई ना रहने की जगह, बस अब यही रहेगा। हाँ जी, हरी रहेंगी। अच्छा तू भी किस दिन लगा ली? अच्छा क्या काम था? अच्छा क्या कराया तूने? देखता क्या भाग रहे होते हैं तू भी? कौन गिर गया? कोई नहीं, उसे बाबू ने निकाल लिया है। कौन? रेशमा गिर गई? कहाँ है वो, कहाँ है वो? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ये सिर्फ सदमे से पानी पी। मैं दवा भेज देता हूँ, दो दो घंटे के बाद देते रात तक। गोपाल तुम डॉक्टर साहब के साथ चले जाओ, उनसे दवाई भी लेते आना और आते वक्त होटल से अपना सामान और गाड़ी भी ले आना। बाबू मेरी रेशमा बच जाएगी ना? घबराने की कोई बात नहीं, डॉक्टर तुम्हारे सामने तो कह गया कि मामूली सा सदमा पहुंचा, बच्चे से पड़े रहेंगे तो रात भर में ठीक हो जाएगी। क्या करूं बाबू, इसका बाप यहाँ होता तो मैं इसे अभी घर ले जाती, लेकिन मैं अंधी औरत जात, क्या करूं? भगवान आपका भला करे। हमें मकान पसंद आ गया। देखो तुम अब बातें बिल्कुल न करो, चुपचाप सो जाओ। अच्छा, और तुम नहीं सोओगे क्या? सो जा, बातें नहीं करते।
दिल पे करार हो गया, दिल पे करार हो गया, मुझे किसी से प्यार हो गया, प्यार हो गया दिल पे करार। मैं अभी तक सोई नहीं, मुझे नींद नहीं आती, मगर तुम क्यों नहीं सोते? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ, पर मैं क्यों नहीं सोता? न जाने मुझे क्या हो गया, हो गया, बस हो गया, हो गया, हो गया। क्या हो गया गोपाल? मुझे तुमसे प्यार हो गया, प्यारे, प्यारे मुझे तुमसे प्यार हो गया, दिल बेकरार हो गया, बस सही बार मेरे सीने से लग जाओ, अब मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। देखा, कुछ समझी तो चुपचाप सो जाओ। क्यों? पर तुम क्यों नहीं सोते? ए, तुम दोनों सो क्यों नहीं जाते? क्या बच्चों की तरह किड़किड़ किड़किड़ लगा रखी? तुम सो जाओ, तुम पहले तुम सो जाओ, मुझे नींद नहीं आती जी, मुझे भी नींद नहीं आती, तुम सो जाओ, मैं सो जाओ, मैं सो जाओ, तुम सो जाओ, नींद खा लेंगे कुछ है? तुम सो जाओ, सो 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 तो तुम झील पे जाओगे, क्लब नहीं चलोगे? अबे क्लब छोड़, चल झील पे चले, मैंने रेशमा से कश्ती लाने को कह दिया। वो तो मैं सब समझता हूँ। अच्छा जा जा जा, इस दफा तुझे माफ किया। क्या मतलब? मतलब क्या, तुमने सोचा कि नए नए हमारे शागिर्द हुए और हमारे रास्तों में चलना सीखो, तो जाओ इनाम के तौर पर तुम्हें लड़की बख्शता। क्या याद करोगे बेटा, किसी रईस से पाला बढ़ाना है, लेकिन इतना ख्याल रहे कि उस्ताद के नाम को कहीं फट्टा ना लगे। हाँ समझा? हाँ गुरुदेव, मैं कुछ नहीं समझा। समझ जाओगे बेटा आहिस्ता आहिस्ता, अभी तो पहली जमात में आए हो। अच्छा तो आज कमल के खेत दिखाने ले जा रही है क्या? देर हो रही है गुरुजी, आप नहीं चलिए? अबे क्यों मगरमच्छ वाले आंसू बहाता है, मम्मी साथ करता बेटा। जा जा, पीर उस्ताद की दुआ से तुम्हारा काम बन जाए। देख ये गीतों वीतों के चक्कर में नहीं फंसे रहे, वरना पहाड़ की लड़कियां बड़ी चालाक होती हैं, समझा? जाओ बेटा, चलो चलो चलो। तुमने वो गीत नहीं सुनाया बाबूजी? कौन सा गीत? वो प्यार हो गया। प्यार? हाँ। तुम्हें सचमुच गीतों से बहुत प्यार है, फिर तुम ही सुनाओ ना। मैं जब सुनाने पे आऊंगी तो इतने सुनाऊंगी कि तुम सुनते सुनते थक जाओगे। तुम तो सिर्फ एक गीत याद करके भूले नहीं सुना, पता है मुझे कितने गीत याद है? लेकिन मुझे गीत याद नहीं करने पड़ते। क्यों? इसलिए कि मैं खुद गीत बनाता हूँ। तुम गीत खुद बनाते हो? झूठे हो तुम, भला गीत खुद कैसे बन सकते? झूठे कहेंगे। Thank you.
अलावा तुम कपड़े क्यों नहीं पहन रहे हैं? आज भी क्लब नहीं चलोगे क्या? मैं तो आज यही रहूंगा, तू हुआ। अबे चलता है कि नहीं किसी पोस्ती के जानशीन? पता भी है कि आज रूबी और बिमला दोनों यहाँ ही हुई। अरे वही रूबी, वो कैबरे डांसर, आवाज क्लब में आ रही, खूब शानदार प्रोग्राम है। सुनता नहीं, वो आएंगी तो तुम उनसे मिली लोगे, मेरी भी नमस्ते दे देना। तो तू यहाँ बैठा उस मल्ला की छोरी पर अपने गीतों का रोक जमाता रहेगा? हा? अच्छा तो कवि महाराज, आप एक कविता के मोती ढूंढिए, हम जरा थिरकती हुई लहरों का नाच देखा। ओके तारा तारा दिखाई देती। एक और चीज दिखाई देती। क्या?
जानते हो यहाँ पानी का रंग इतना नीला क्यों? क्योंकि यहाँ झील में बहुत गहराई है। बस यही तुम्हारी आंखों में भी है, झील गहराई है। शाबाश, अब तो तुम भी शायरी करने लगे हो। अब सचमुच तुम्हें प्यार हो गया। मगर ये प्यार क्या होता है? हाँ? प्यार क्या होता है? प्यार क्या होता है? हाँ। तुम्हें प्यार का भी पता नहीं क्या होता? मगर तुम तो कहती थी कि मैं सब समझती हूँ। बस यही नहीं समझती, इसलिए तो पूछ रही। तुम बता दो मैं क्या हूँ? प्यार बताने की नहीं पाने की चीज है रेशमा, इसे तो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। किस तरह? किस तरह नहीं, बल्कि एक वक्त आता है जब प्यार किसी कांटे की चुभन की तरह खुद ब खुद महसूस होने लगता है। मगर वो वक्त कब? उसका कोई वक्त नहीं रेशमा, किसी भी दिन बाहर के पहले फूल की तरह अचानक ही वो वक्त आ जाता है। और जब वो वक्त आता है जानती हो क्या होता? क्या होता है? तब दुनिया की हर चीज के माने बदल जाता है, तब किसी की आंखों में झीलों की गहराइयां दिखाई देने लगती है और उनमें डूब डूब जाने को जी चाहता है, तब चांद किसी के माथे की बिंदिया बन जाता है और उसकी बूंदे आकाश के आंसू दिखाई देती, तब चांदनी किसी के चरणों की धूल पाने के लिए धरती पर लौट लौट जाती। तैयार होते हैं रेशमा, मगर तुम्हारा ये प्यार कैसा है जिसमें शुरू से ही आंसू भी शामिल है? जिसमें आंसू नहीं होते वो सच्चा प्यार नहीं होता रेशमा। वो देखो,
खस्ता हुआ फूल और रोती हुई शब्द। हुस्न और इश्क के मिलाप का कितना खूबसूरत नमूना है। प्यार का बुनियादी रूप यही होता है रेशम, इसलिए तो कहता हूं कि किसी के प्यार को वक्त के पैमाने से नहीं आंसू के पैमाने से नापना चाहिए। नजर है पतली कमर है तिरछी नजर है, खिले फूल सी तेरी जवानी कोई बताए कहाँ कसर है। पतली कमर है तिरछी नजर है, पतली कमर है तिरछी नजर है। आजा मेरे मन चाहे बालम, आजा तेरा आँखों में घर है, आजा तेरा आँखों में घर है। मैं चंचल मदमस्त पवन हूँ, मैं चंचल मदमस्त पवन हूँ, घूम घूम हर कली को झूमू, घूम घूम हर कली को झूमू। मेरी जिंदगी मस्त सफर है, मेरी जिंदगी मस्त सफर है। पतली कमर है तिरछी नजर है, पतली कमर है तिरछी नजर है। आजा मेरे मन चाहे बालम, आजा तेरा आँखों में घर है, आजा तेरा आँखों में घर है। बहते दरिया का पानी, मैं बहते दरिया का पानी, खेत किनारों से बढ़ जाऊं,
खेल किनारों से बढ़ जाऊं बंध ना पाऊं नया नगर नित नई डगर है तिरछी नजर है पतली कमर है आजा मेरे मन चाहे बालम आजा तेरा आंखों में घर है आजा तेरा आंखों में घर है पतली कमर है तिरछी नजर है पतली कमर है तिरछी नजर है जी की तरह तबला सारंगी लेकर बैठ गए आखिर तुम्हें हुआ क्या है हा? मैंने कहा सरकारे तुम्हें हुआ क्या ये तो बहुत टेढ़ा सवाल करती है तुमने कि हुआ क्या है इसका जवाब तो गालिब जैसा शायर भी नहीं दे सका गोपाल वो भी सिर्फ इस सवाल का दौरा कर ही रह गया कि दिले नादान तुझे हुआ क्या है आखिर इस दर्द की दवा क्या है भाई मैं तो ये दर्द दिल की बात है सुन सुनकर तंग आ गया आखिर तुम दकियानूसी शायरों का हर वक्त दर्द कहां से चिमटा रहता है ये राज तुम क्या जानो तुम्हें किसी शायर के दिल का हाल क्या मालूम भाई भगवान ने एक कवि और शायर भी एक अजीब जानवर पैदा किया जिसे जब देखो कोई ना कोई दुखड़ा ही रो रहा अरे मियां ये जो दुनिया में चार दिन रहना है ना इन्हें रोते पीटते गुजार देने का नाम जिंदगी नहीं बल्कि जिंदगी नाम है एक कहेगा जो कि एक फुलझड़ी की तरह चारों तरफ शगुफे बिखेरती चली जाती यही तो फर्क है गोपाल भैया तुम जिंदगी में फुलझड़ी के शगुफों को देखते हो लेकिन वो शगुफे पैदा करने के लिए फुलझड़ी के सीने में जो आग लगाई जाती है उसे तुम नहीं देखते तुम हर कदम पर एक नई रूबी के साथ डांस कर सकते हो लेकिन जिस नीला को उन पहाड़ों में उम्र भर इंतजार करने के लिए छोड़ आते हो उसे तुम भूल जाते हो अच्छा जी अब आपको उसकी हमदर्दी नहीं भी सताया हा? भाई कुछ भी कहो मैं शायरी के पर्दे में दूसरी लड़कियों से हमदर्दी करने का टच बहुत पसंद आया शाबाश आज तुम इन बातों को मजाक में उड़ा रहे हो गोपाल मैं जानता हूं अगर उसका प्यार सच्चा है अगर उसकी आहों में असर है तो एक दिन जब तुम्हें ये रूबीज और लिली सब छोड़ जाएंगी उस दिन तुम कच्चे धागे से बंधे उसके कदमों में गिड़गिड़ाओगे लिली किसके साथ गई वो अपने दोस्त के साथ बाहर गई रूबीका हेलो रूबी हेलो हेलो आखिर तुम आ गई ओ हेलो हेलो माफ कीजिए मुझे फुर्सत नहीं है मैं बाहर जा रही हूँ दादा दादा बाय बाय और एक रोज जब तुम्हें ये रूबी और लिली सब छोड़ जाएगी उस दिन तुम कच्चे धागे से बंधे उसके कदमों में गिर गिराओगे हंसते हंसते मर सकता है गोपाल
लेकिन दूसरे की मौत पर उसे आंसू बहाने ही पड़ जाते हैं। गलत, बल्कि जो अपनी मौत पर हंसना जानता है वही दूसरों की मौत पर भी हंस सकता है। लेकिन मेरे दोस्त, इस दुनिया में मौत से पहले भी तो कई बार मरना पड़ता है, और वही इंतहाई तकलीफ के लम्हे होते हैं जो किसी सहारे के बिना नहीं काटे जा सकते। तब पता चलता है कि सच्चा प्यार ही दुनिया का सबसे बड़ा सहारा। मैं हैरान हूं कि इस बीमारी से भी तुमने कोई सबक नहीं पाया। हमने तो एक ही सबक पाया प्यारे, कि लड़कियों की मोहब्बत एक बाह्य चीज है। अभी तुमने पहला पहला प्यार किया ना, इसीलिए किताबी आदर्श किस्म की बातें करते हो। अरे भैया, जरा हमारे तजुर्बे से पूछो कि लड़कियों की मोहब्बत में कितना दम। बाप ने एक जोर की फूंक मार दी तो मोहब्बत का चिराग गुल, किसी रिश्तेदार ने देख लिया तो मोहब्बत के गले में शर्म की फांसी, कभी घराने की लाश, कभी गरीबी अमीरी का सवाल। गोया मोहब्बत को गाड़ने के लिए तरह तरह के कफन होते हैं उनके पास। घबराते क्यों हो, तुम्हें भी पता चल जाएगा। आ लेने तो उसके बाप को या कोई बिरादरी का सवाल पैदा होने तो देख लेना। चलिए बुला लो, हमें गालियां दे रही होगी। बेटी रोटी इस तरह पकाते हैं? क्या करूँ माँ, आग तेज से जरा जल गई होगी, तू जला हुआ किनारा फेंक देना। ये जली हुई रोटी मैं भूल गई माँ। ये कोई पहली दफा तो नहीं बेटी, दरअसल इन दिनों तेरा जी कुछ ठिकाने नहीं। आखिर क्या बात है, मुझे क्यों नहीं बताती? कुछ भी तो नहीं माँ। ये बाबू भी हर वक्त टीटी बजाता रहता है, बात भी सुनाई नहीं देती। वो तो कितनी अच्छी सितार बजाते हैं, तुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अच्छी तरह सिर बजाता है। हाँ तो तुझे क्या हुआ है? कहा तो कुछ भी नहीं, तू खाना खा ले जल्दी से। मैं साफ जानती हूँ, तू घबरा नहीं, तेरा बाप कल आ जाएगा और उम्मीद है कि शादी के बाद जल्दी ही पक्की हो जाएगी। माँ भाषा है मैं नहीं जानती, मगर यूं लगता है जैसे मेरे अंदर दूसरा कोई और भी है जो इसकी बातें समझता है। ये तुम कौन सा गीत बजाते हो? ये एक अंग्रेजी गाना जो एक बार मैंने क्लब में सुना था, बड़ी प्यारी थी। तुम्हें अच्छी लगती? क्या अच्छा लगता? तुम्हारा सितार बजाना। सितार नहीं रेशमा, वायलिन। सितार, वायलिन, सितार। तुम्हें पता है परदेसी, कल मेरा बापू आ रहा है। ओ, जिसका मतलब है कल मैं तुम्हारा इंतजार ना करूं। क्यों? इसलिए कि तुम्हें कभी किसी पर एतबार आएगा भी या नहीं? मोहब्बत में एतबार ही तो खो जाता है रेशमा, जानती हो प्यार की राह में कदम कदम पर शक की दीवारें खड़ी रहती। बस तुम्हारी यही बातें तो मेरी समझ में नहीं आती। यार अब वो न समझे हैं न समझेंगे मेरी। मैं तो सब समझती हूँ, पर तुम ही नहीं समझती कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। बता है माँ क्या कहती थी? कहती थी कि बापू के आते ही कि मेरी शादी की बात पक्की हो जाएगी। शादी की बात? हाँ। तुम्हारी? बहुत अच्छा, हमारे होते हुए तुम्हारी शादी हो जाए, तुम्हारी बारात देखते जाएंगे, और हो तो ये सितार की तुम्हारी शादी हो जाए। हमारे यहाँ शादी में शहनाइयाँ बजती हैं। तुम समझते क्यों नहीं? क्या? यही कि बापू शायद मेरी रेशमा।
टूटे हुए दिल की पुकार है। किसके दिल की? जो दूसरों को तो प्यार के धोखे से खबरदार करना चाहता है, लेकिन खुद धोखा खाकर भी प्यार किए जा रहा है। कुछ समझे? भगवान की दया से रिश्ता बड़ा ही अच्छा है। Thank you.
समय आ गई। इस वक्त जिस तरह तुम इस फाइल की तरह मेरे हाथ में आ गई हो, जी चाहता कि तुम्हारे दिल के तारों को भी इस तरह छेड़ लूं कि पर सर से पांव तक झंझना उठो। ये तार तो कब से झंझना रहे हैं पत्ते से, लेकिन तुमने इनकी आवाज सुनाई नहीं देती। झूठी तसल्ली से कुछ नहीं बनेगा रेशमा। तुम्हारे दिल के ये तार बज रहे होते तो मैं लोहे के तारों से अपनी उंगलियां जख्मी क्यों कर लेता। ये तुमने क्या किया? तुम्हें मुझ पर यकीन ना था। नहीं, मैंने तो समझ लिया था कि आज तुम भी हीर से आल होगी। हीर से आल? हीर से आल। पंजाब में तो मशहूर प्रेमिकाएं होंगी, उनमें से एक का नाम था हीर से आल। तो उसने क्या किया था जो तुमने भी मुझे वही बना दिया? हीर सयाल वक्त आने पर अपनी शादी रचाकर उस रांचे को धोखा दे गई जो उसके लिए तख्त हजारा छोड़कर आया था। और दूसरी कौन थी? सोहनी कुमार। वो अच्छी थी क्या? सोहनी वो सबसे ज्यादा वफादार साबित हुई और आखिरी वक्त तक चनाब जैसे खूनी दरिया को सिर्फ एक मट्टी के खड़े के सहारे तय की। आधी आधी रात को अपनी माई बाप के पास पहुंचती रही, यहां तक कि एक रोज जब उसकी ननद ने पक्के घड़े की जगह एक कच्चा घड़ा रख दिया तो वो ये जानती हुई भी कि इसकी मट्टी पानी में घुल जाएगी, सिर्फ इसलिए दरिया में उतर पड़ी कि वापस लौटने से मोहब्बत को दाग लगता था। लेकिन एक सोहनी का ऐसा होने से क्या होता, अक्सर लड़कियां ही साबित होती। शायद गोपाली ठीक कहता था। लेकिन सच्चा कौन है इसे साबित करने के लिए तो वक्त चाहिए। नहीं रेशमा, सच्चे आदमी के लिए हर वक्त इम्तिहान का वक्त होता है। जो लोग किसी बात के लिए वक्त का इंतजार करते हैं वो उसे कभी नहीं पकड़ सकते। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता रेशमा। वो अपनी रफ्तार से हमेशा चलता ही जाएगा, एक पल एक घड़ी के लिए भी नहीं रुकेगा, चाहे वो घड़ी कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो। शादी रचाकर उस राजे को धोखा दे जो उसके लिए तख्त हजारा छोड़कर आया। नहीं, लेकिन सच्चा कौन है? इसे अल्लाह ताला ने अपनी शादी रचाकर उस राजे को धोखा दे किसी का इंतजार नहीं कर जो उसके लिए तख्त हजारा छोड़ सच्चे आदमी के लिए हर वक्त इम्तिहान का सच्चा कौन है इसे साबित करने के लिए तो वक्त जो लोग किसी बात के लिए वक्त का इंतजार करते हैं वो उसे कभी नहीं पकड़ सकते। रेशमा सच्चे आदमी के लिए हर मुझे इन बाबुओं से नफरत हो गई। अगर पेट का सवाल न होता तो मैं इनमें से एक की रक्षा
कभी न देखना। मैं सोनी बनूंगी रेशमा, मैं सोनी बनूंगी। तुम भी आज ही इंसान हो गए, आज तुम भी हीर से हार हो गई। लड़की अक्सर हीर साबित होती है रेशमा, रेशमा तुम भी आज हीर से हार हो गई। नहीं, तुम भी आज ही ख्याल हो गए। मैं सोनी बनूंगी, मैं सोनी बनूंगी, मैं सोनी बनूंगी। पानी में खुल जाए कि सिर्फ इसलिए दरिया में उतर पड़ी कि वापस लौटने से मोहब्बत को दाग लगता था। मैं सोनी बनूंगी, मैं सोनी बनूंगी। से चले जाएंगे, लेकिन क्यों? झगड़ा करके किसी का दिल दुखाने से क्या फायदा गोपाल? हम आज किसी और मकान में चले जाएंगे। गोया जो कुछ इसने किया और जो कुछ कर रहा है वो सब ठीक है? इसने कोई खुश होकर तो ऐसा नहीं किया। हमारे देश में छूटी शर्म और इज्जत पर मर जाने वाले लोग अक्सर ऐसा ही करते। कितनी बदकिस्मती है कि ये लोग सच्चे प्यार को भी नहीं समझ सकते। इन हाथों में कुल्हाड़ा उठाने से पहले एक बार तो मुझसे पूछ लिया होता कि मेरा प्यार कैसा। तुमने हजारों झूठे वादे करने वाले देखे, तुम्हें उनसे नफरत भी हो गई थी, लेकिन एक बार किसी सच्ची आत्मा का प्यार भी तो देख लिया होता। जिस फूल से शरीर को अपने हाथों से पाल पोस कर इतना बड़ा किया,
उन्हीं हाथों से उसे इस पानी की कब्र में फेंकते हुए तुम्हारी आत्मा चीख न उठी। तुमने इस बहते हुए पानी से ही क्यों ना पूछा कि वो अपने गंगा जल की तरफ थी या नहीं। नारे के 8-10 फूल तोड़ ला और बूटी मिलते ही उल्टे पर लौट रहा। लेकिन देख बूटी जड़ से उखाड़ कर लाइयो। हाँ जल्दी से आ जल्दी। इस तरह छोड़कर नगीने की शादी कराने जा रहा हूं। अब तो पक्के मुहूर्त का वक्त आ गया। नगीने शादी बैजी
बैजी। बैजी। अरे कुछ कहेगा भी? मेरी शादी कभी नहीं हो सकती। अरे जालिम, तुझसे शादी करके कौन अपनी हड्डियों को चूर कराएगी? अभी पक्की नहीं तो कच्ची शादी करा दो। क्यों बैजी? अच्छा अच्छा, इंतजार करो, तेरे लिए भी भगवान कहीं से छप्पर फाड़ के भेज देंगे, तो फिर हो जाएगी तेरी भी शादी। बैद जी, अगर छप्पर के बजाय पानी के रास्ते भेज दे तो कोई हरज है? ठीक है भेज देंगे। ये कितने दिनों में जिंदा हो जाएगी? बस ये कोई 15-20 दिन। बैद जी, भगवान भी कुछ जरूर है। क्यों? देख लो, दरिया में बहा कर भेज दी उसने बहु मेरे लिए। हाँ भाई, सुना तो था कि जब भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, लेकिन आज तो उन्होंने दरिया फाड़ कर दे दी तुम्हें ये परी। बैठी है तो बड़ी खूबसूरत, क्यों? हाँ भाई, ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है। मुझे तो जिन वाली कहानी याद आती है जो गो काफ के परी को उठा ला। पानी लो बैठी। सुना तुमने, बरसात आ रही है। बैद जी ने कहा है तुम्हारे अंदर नया खून आ जाएगा और तुम बिल्कुल अच्छी हो जाओगे। और ये देखो, मैं तुम्हारे लिए फल लाया हूँ, ताजे ताजे फल, अपने हाथ से तोड़ के लाया हूँ। और ये देखो, ये फूल लो। बाबूजी। तूने मुझे बाबूजी कहा? मेरा नाम है भोलू, भोलू। बाबूजी, बाबूजी, भोलू, 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 मुझे भोलू बाप। जैसे नए नए पत्ते आए हैं, चल उठ, बरसात आ रही है, उठ। नदियों को इस मौसम में ये कितना शोर मचाती है, बाद में कभी पता भी नहीं लगता। इसीलिए तो कहती हूँ, इन बरसाती वादों का ख्याल छोड़ दे, उनका कोई भरोसा है। वो देख, वो आ भी गए। मैं हर दम रोता ही रहा हूँ, मैं जिंदगी में हर दम रोता ही रहा हूँ, रोता ही रहा हूँ, तड़पता ही रहा हूँ। मैं जिंदगी में हर दम रोता ही रहा हूँ। उम्मीद के दिए बुझ दिल में है अंधेरा, उम्मीद के दिए बुझ दिल में है अंधेरा। जीवन का तो साथी न बना कोई भी मेरा, जीवन का तो साथी न बना कोई भी मेरा। फिर किसके लिए आज मैं जीता ही रहा हूँ। मैं जिंदगी में हर दम रोता ही रहा हूँ, मैं जिंदगी में हर दम रोता ही रहा हूँ। रह रह के हंसा है मेरी हालत पे जमाना, रह रह के हंसा है मेरी हालत पे जमाना। क्या दुख है मुझे ये तो किसी ने भी न जाना, क्या दुख है मुझे ये तो किसी ने भी न जाना। खामोश खामोश मोहब्बत लिए फिरता ही रहा हूँ। मैं जिंदगी में हर दम रोता ही रहा हूँ,
मैं जिंदगी में हर दम रोता ही रहा हूँ। आई न मुझे रास मोहब्बत की फजाएं, आई न मुझे रास मोहब्बत की फजाएं, शर्माई मेरी आँख से सावन की घटाएं, शर्माई मेरी आँख से सावन की घटाएं, लहरों में सदा गम की मैं बहता ही रहा हूँ। मैं जिंदगी में हर दम रोता ही रहा हूँ, मैं जिंदगी में हर दम रोता ही रहा हूँ, रोता ही रहा हूँ, तड़पता ही रहा हूँ, मैं जिंदगी में हर दम रोता ही रहा हूँ। तो 5 दिन के बाद पटेल जी पक्का भी हो जाएगा हैं? हाँ देख, ये मैं पहले कह देता हूँ, अगर पक्का ब्याह करना है तो खर्च बहुत आएगा। हाँ पंडित जी जरूर। और मैं पक्के ब्याह के पूरे 3 रुपए 11.5 ने लूंगा। हाँ, और दूसरा साथ सामान भी बहुत लाना पड़ेगा। वो क्या? यही जो शादी उदी पर लगता है। हाँ लड़की के लिए कई चीजें भी चाहिए। तुम ही बता दो ना वैद्य जी, तुमने तो अपने भी 5 ब्याह किए हैं, तुम तो सब कुछ जानते हो ना। बाप रे बाप, मैं बता दूंगा भाई बता दूंगा, शहर जाना पड़ेगा शहर। तू भी जल्दी से बता दो ना वैद्य जी, ब्याह में जितनी देर हो रही है वो उतनी ही उदास होती जा रही है। कौन? तेरी बहू? वैद्य जी सहारा, अब मेरा कौन सहारा।
कलम मेरे बलम मुझको ना भुलाना अब मेरा कौन सहारा अब मेरा कौन सहारा अब मेरा कौन सहारा अब मेरा कौन मुझे भी अपने साथ क्यों ना ले गई कहो रेशमा मुझे भी अपने साथ क्यों ना ले गई तुझे मैं साथ ले जाऊंगा चल सुता नहीं चल लेकिन मेरे वहां जाने से भी क्या फायदा होगा तू जानता मुझे ये राग में बिल्कुल अच्छे नहीं लगे भाई ठीक है अच्छे नहीं लगे मगर एक दोस्त के लिए तुम इतना भी नहीं कर सकते कि सिर्फ वहां तक उसके साथ चले चलो तो ना सही ये लो मैं भी नहीं जाना मुझे यूं मजबूर ना करो गोपाल 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 मेरी बात तो सुनो देखो मैं कुछ सुनना नहीं चाहता अगर तुम्हें मेरा कुछ जरा भी ख्याल है तो वो शेव का सामान रखा है वो है कपड़े चल अब और कहां चलूं शहर मैं तुझे आज शहर लेके जाऊंगा सच मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ मुझे एक बार शहर जरूर ले चलो मेरे प्राण बाबू तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे
वो क्या देंगे रानी, देने वाले तो भगवान है। इसने तुम्हारी जैसी बहू अपने आप मेरे घर में भेज दी है रानी। शर्मा गई मेरी रानी, शर्मा गई मेरी रानी। पंडित ने कहा है 4 दिन के बाद शादी की पक्की महारत है। आज बाजार चलेंगे रानी, मैं बाजार लेके चलूंगा, नए नए कपड़े दिलाऊंगा, चांदी की पाजेब दिलाऊंगा और चूड़िया दिलाऊंगा, और जो तेरी मर्जी आओ लेना रानी। है, है? बोल ना रानी, और तू क्या लेगी रानी। उठ रानी, उठ ना रानी। चल मेरी रानी, रानी चल, तुझे बाजार ले जाऊंगा रानी, रानी बाजार ले जाऊंगा तेरे को, रानी बचा ले जाऊंगा, रानी बचा, रानी रानी जल्दी तैयार हो जा। शादी की चूड़ियां ये दिखाओ चौधरी। हाँ ये ठीक है, ये पना गिरानी, ये पहने की चूड़ियां। बड़ा मूल तो दो इसको अच्छे से इंटेक्स में सुन ले जाएं सही ना, जो स्टार मंगे सब पहले मास चल इसे तो डॉक्टर ने डांस करने के लिए मना कर रखा। सो कैन आई हैव द प्लेजर ऑफ अ डांस विद यू मैम? आई एम सो सॉरी, आई एम टाइम लिली। ओह दैट्स परफेक्टली ऑलराइट विद मी, इट्स परफेक्टली ऑलराइट विद मी। तुम लोग ना बातें करो, चलते हुए डांस मारा है। एक्सक्यूज मी मैम, डांस नहीं करोगे प्राण? जी नहीं। अच्छा डांस ना सही, फिर भी शाम को तब तो आया कीजिए। एक अच्छे अच्छे बनाना है। ये पहनेगी है, है? Germanizers will now play a popular Viennese melody. Germanizers. ये अंग्रेजी तो नजर एक बार मैंने क्लब में सुनी थी, तुम्हें अच्छी लगती? क्या अच्छा लगता? तुम्हारे सितार बजा। सितार नहीं रेशमा, वायलिन। सितार वायलिन। रानी ये पसंद है रानी?
बाबूजी कहाँ है? कौन बाबूजी? वो जिनका तुम अभी गीत बजा रहे थे, ये उन्हीं की सितार है ना? ये मेरे बाबूजी की सितार है, ये मेरी सितार है, ये मेरे बाबूजी की सितार है। तुम जानते हो मेरे बाबूजी कहाँ है, मुझे बता दो। मैं कुछ नहीं जानता। तुम जानते हो? अगर तुम्हें पता नहीं तो तुमने ये गीत कहाँ से सीखा? तुमने ये धुन क्यों बजाई? तुमने ये धुन क्यों बजाई? तुम जानते हो मेरे बाबूजी का पता? मुझे बता दो, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, मुझे बता दो। मिस्टर जो, कौन लड़की है वो? निकालो बाहर उसको, बुलाओ किला, ले जाओ उसको, भावनी चलाए, ले जाओ उसको, भावनी चलाओ। नहीं नहीं, इसे कुछ मत कहो, ये भावनी मैं आ गया, मैं ले जाऊंगा उसको, इसे कुछ मत कहो, ये पागल है, इसे कुछ मत कहो। देखा था ना क्या किया, मेरी इज्जत खा के मिला दी। मालूम है तो किसकी बहू बनने वाली है। चल मेरे साथ, मेरी इज्जत मत खा।
चली बिरहा की आंधी, ऐसी चली बिरहा की आंधी, तड़प रहूं दिन रात, हाय मैं तड़प रहूं दिन रात, छूट गया बालम, छूट गया बालम, हाय साथ हमारा छोड़ गए बालम, छोड़ गए बालम, मुझे हाय अकेला छोड़ गए। मुझे दिखाई देता है कि तुम्हें पागल होने में बहुत दिन नहीं लगेंगे, और मुझे अफसोस है कि इतने दिन क्यों लग गए। मुझे इससे बहुत पहले पागल हो जाना चाहिए था गोपाल। कुछ समझ में नहीं आता, या तू पागल है या मैं। आखिर वो क्या चीज है जो तुम्हें उसकी मौत के बाद भी तड़पा रही है, अगर यही मोहब्बत है तो गोपाल कुछ समझ में नहीं आता। यहां आकर मेरा दिमाग धुंधला गया। अगर मोहब्बत सिर्फ शरीर को हासिल करने का नाम है, तो उसके मर जाने पर भी तुम्हारे प्यार में ये मजबूती क्यों? तुम्हारे यकीन को इतना पुख्ता देखकर कभी कभी शक होता है कि शायद तुम ही ठीक कहते हो। तुमने मेरे यकीन को भी डामाडोल कर दिया है प्राण, यहां तक कि कभी कभी अपनी जिंदगी से उकता कर मेरा भी तुम्हारी तरह तड़पने को जी चाहता। तुम बता सकते हो ऐसा क्यों होता है? ये कोई नई बात नहीं गोपाल। इंसान के अंदर हमेशा दो अलग शख्सियतें एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी दिशाओं में काम करती रहती हैं। इतना ही नहीं, बल्कि कभी कभी तो मैं भी तुम्हें देखकर यही सोचता हूँ कि शायद तुम मेरा ही दूसरा रूप हो। बस ठीक यही बात तो मैं तुमसे कहलवाना चाहता था। इसका मतलब है कि अगर हम एक ही शख्स के दो रूप हैं, तो अगर हम दोनों मिलकर किसी एक ही लड़की से मोहब्बत करें, तो शायद वो मोहब्बत का असली रूप होगा। भाई हंसा दिया तुमने, दोस्त मान गए तुम्हारी ताकत। तो चलो मिलकर किसी लड़की से मोहब्बत कर। मुझे तुम पर हंसी आती है गोपाल। गोपाल गोपाल कुछ नहीं, हाँ आज तो तुम्हें मेरे साथ शहर को चलना ही होगा। मगर कहाँ जाए मैं, चाहो उठ उठ गोपाल। सुन गोपाल, मैं उठता हूँ गोपाल। मगर ये शहर के बाहर कहाँ ले जा रहे हो मुझे? हाँ। तो आज मैं तुम पर यह साबित करना चाहता हूँ कि जो तुम प्यार को ऐसी दुर्लभ वस्तु समझते हो, महज एक बिकाऊ चीज है, और चांदी के चंद टुकड़ों से किसी वक्त खरीदी जा सकती है। उसे तुम प्यार कहते हो गोपाल? कितने बेसमझ हो तुम, बड़े समझदार हो जो एक लड़की के पीछे इस तरह दीवाने हो। नहीं नहीं गोपाल, अब और आगे कहां लिए जा रहे हैं? देखो प्राण, जब तक एक आध जगह मेरे साथ उतर कर तुम उस सच्चाई को देख नहीं लेते जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं, तब तक वापस नहीं जाने का। मेरी रानी, तूने अभी तो शादी का जोड़ा भी नहीं पहना। हाँ, जल्दी कर जल्दी कर। बैठे जी, जल्दी जल्दी करो ना, क्या देर लगा रखी है। बस हो गया समझो। किसी पहाड़ी की शादी हो रही है, चल जरा देखे तो सही इनकी शादी कैसे होती है। तुम्हारी शादी? अच्छा है, हमारे होते हुए तुम्हारी शादी हो जाए तो तुम्हारी बारात देखते जाएंगे, और वो तो तुम्हारी शादी पर ये सितार बजाऊं। नहीं, हमारे यहाँ शादी पर सितार नहीं बजती, शहनाइयाँ बजती हैं। शहनाइयाँ? शहनाइयाँ? हाँ, तुम्हारी शादी पर शहनाइयाँ बजेंगी। गोपाल चले चलो यहाँ से।
मुझे ये शादी के बाजे अच्छे नहीं लगते, मुझे शादी के बाजे अच्छे नहीं लगते। ये शहनाई उसकी शादी पर भी बजने वाली थी। चल चल यहाँ से, चल चल यहाँ से। लेकिन चलू का कहीं तो मानता भी है, कहीं भी चल, लेकिन मुझे शहनाई की आवाज से दूर ले चल। चलू किसी लड़की के पास किसी भी नर्क में ले चल, लेकिन जहां शादी की शहनाई है ना बजती हो। किस लिए? पैसों की खातिर?
फिक्र पड़ गए हो बाबू, क्यों अपना वक्त जाया कर रहे हो? आओ अंदर बैठकर कुछ अच्छी बातें ही करें। उसकी सूरत नहीं देखी, लेकिन ये तो बहुत बीमार है, इसीलिए तो यहाँ से 5 मील पर एक सरकारी दवाखाना, लेकिन डॉक्टर पैसे लिए बगैर अच्छी दवाई नहीं देता, और मैं डरती हूँ कि किसी बड़े बाप की औलाद अगर यहाँ आ गया तो ये लगता है कि मेरी एक भी निशानी को तो संभाल कर ना रख सकी, मेरी एक भी निशानी को तो संभाल कर ना रख सकी। सारा हा? वो माँ है, माँ है गोपाल। क्या मतलब? वहां औरत का नहीं, माँ का प्यार बिकता है। समझा नहीं? तुम नहीं समझोगे, तुम ज्यादा तरक्की पसंद आदमी हो। अब चलो यहां से। सारी चमड़ी पीली पीली हो गई। इधर लिखा हो जरा आंटी।
जिंदा है कि मर गया? भाई जिंदा तो है अभी, लेकिन देख बोलू ले, तू इस लड़की को घर पहुंचा है? हाँ घर पहुंचा है, वो बनारे की जड़े याद है ना तुम्हें, जिसने तेरी बहू को अच्छा किया था, वो इसी को अच्छा करेगा। अरे तेरा बाहर निकाल, जूते तो खोल दे, उठा से आई सर निकालना, उठा ऊपर साहब, एम्बुलेंस जल्दी से भिजवा दीजिए, कहीं एक मिनट की देर ज्यादा ना हो जाए। चलिए आई जी। तुम कहाँ हो परदेसी? एक बार तुम भी इस रास्ते से क्यों नहीं गुजर जाते, ताकि मरने से पहले तुम्हें देख तो लेती।
तो मैं सोनी हूं ना। रान, जान लेकर भी तुम्हारा पेट नहीं भरा भी। कैसी बदशगुनी की बातें मुंह से निकालते हो आप। अब क्या रह गया जिसके शुभ मनाओ। डॉक्टर ने कह दिया कि अब कोई उम्मीद नहीं, वो महज अपने तजुर्बे की खातिर ऑपरेशन कर रहे हैं। प्राण तो समझो कि मर गए। डॉक्टर साहबों के लिए तो ये उसी वक्त मर चुके थे भैया, ये बेचारे मौत से नहीं लड़ सकते। मौत से तो सिर्फ प्यार ही लड़ सकते। मैं उन्हें अपने प्यार के जोर पर मौत के हाथों से छीन लाई हूं, और ऐसी 1000 मौतें भी अगर मिलकर आ जाएं तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम घबराओ नहीं भैया, बाबूजी नहीं मर सकते। सच्चा प्यार कभी नहीं मर सकता। मुझे मारने के लिए मेरा प्यार ही काफी है। बापू ने कहा था कि प्यार जिंदा भी कर सकता है, हर वक्त पड़ने पर मार भी सकता है। मेरी तरह भगवान पर विश्वास रखो भैया, वो प्यार की लज्जा हमेशा रखते हैं। मैं भगवान को तो मानता नहीं। हाँ, अगर प्राण अब भी बच गया तो मैं प्यार की ताकत को जरूर मान लूंगा और तुम्हारी पूजा करूंगा। ऑपरेशन सक्सेसफुल, अब वो जिंदा रहेंगे। डॉक्टर, जादू सिखाने के लिए लाया। मैं अब जादू सीखकर क्या करूंगी, मेरा काम तो जादू के बिना ही चल रहा है। ओ, तुम समझती क्यों नहीं भाभी, अब तुम्हें कैसे समझा। देखो, डॉक्टर ने कहा है कि हफ्ते दो हफ्ते के अंदर प्राण की पट्टी खुलने वाली। मैं चाहता हूँ किसी एक हफ्ते के अंदर अंदर तुम्हें बिल्कुल अप टू डेट मैडम बना दूं। मैडम 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 मेम साहब। हाँ मेम साहब, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें एक मेम बना दूं, ताकि प्राण जब आंखें खोले तो बस क्या बताऊं तुम्हें, फिर क्या होगा। क्या होगा फिर, इससे वो खुश होंगे। अरे खुश इतना कि शायद वो मुझे इनाम के तौर पर तुम्हें ही बख्शते। हाँ कैसी बातें करते। देखो
मेरे पास वक्त बहुत थोड़ा है, तुम्हारा पहला सर कभी शुरू हो जाए। इसे कहते हैं साड़ी, इसे यूं पहनते हैं, यूं पहनते हो? और ये है पाउडर, पाउडर चूना चूना नहीं पाउडर, मैं तो चूना। खैर, इसे मुंह पे लगाने से रंग सफेद हो जाता है। इधर औरतें कैसे लगाती हैं। लेक्चर न कर सके वो तुमने किसी देवी की तरह अपने प्यार का चमत्कार दिखाकर कर लिया, और मैं जो प्यार को एक पागलपन समझता था अब खुद किसी देवी का पुजारी बनने के लिए तड़प रहा हूं। सच? कौन है वो? है इन्हीं पहाड़ों में एक और भी लड़की तुम्हारी तरह। आओ बैठो, तुम्हें उसकी कहानी सुना। उसका नाम लीला है। यहां तो रास्ते में पड़ाव आता है। पिछली बरसात की बात है जब मैं और प्राण, और इसी तरह हर बार मैं झूठे वादे करके चला आता था, और वो बेचारी आंसू भर के रह जाती थी। ये तो तुमने बहुत जुल्म किया भैया, तुम इन पहाड़ की लड़कियों को नहीं जानते। तुम लोग तो झूठे वादे करके चले जाते हो, और ये बेचारियां सारी सारी जिंदगी रास्ते के पत्थरों पर बैठी इंतजार ही में गुजार देती है। जब कभी जी भर आया तो गीत के दो बोल गा लिए। इसीलिए तो पहाड़ के गीत में इतना दर्द होता है। दर्द होता है तभी तो इतना असर भी होता है कि मुझ जैसे पत्थर भी झरनों की तरह पिघल जाते हैं। मगर देखो, प्राण को भी कुछ मत बताना, क्योंकि मैं उसे इस मामले में भी एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। भैया, उन्हें अस्पताल देखने चले?
सतपुड़ा आ गया। अभी वक्त तो है, चलो तो अगले पड़ाव पे चले चले। सतपुड़ा नहीं नहीं भैया, बड़ा खतर हो जाएगा, मुझे यहाँ किसी से मिलना। किसी से क्यों, किसी लड़की से कहा। देश में इस पड़ाव पे एक लड़की रहती है, हर साल उसे धोखा दिया करता है। मैं तो समझा देता, क्या तुम भी कुछ समझाओ। अरे भाभी बस भूल गई तुम। यस नहीं, यस सर, यस सर। क्या हुआ रेशमा? क्या जाने, खुद ही पूछ लीजिए। अच्छा बचा रहा हूँ फिलहाल, सुबह जरा जल्दी लौटना ताकि ठंडे ठंडे यहाँ से निकल चले। सुबह शायद मैं ना सकूं। क्या बात है गोपाल, तुम कुछ छुपा रहे हो? छुपा नहीं रहा, भाभी सब जानती है। क्या बात है रेशमा? गोपाल भैया नीला के पास जा रहे हैं, अभी उन्हीं के पास रहे। सच को गोपाल, सच गोपाल, लेकिन तुम उसे साथ क्यों नहीं ले चलते? वो तो चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसीलिए तो। क्या मतलब? तुम शायद फूल रहे हो। तुम्हीं ने तो कहा था कि प्यार में देना ही होता है, कुछ मांगना नहीं। अगर वो अपना सब कुछ छोड़कर मेरे साथ जाने को तैयार है तो फिर उसी का प्यार कितना ऊंचा हो जाता है। मैंने उसके लिए क्या किया? चुनाचे मैंने फैसला किया है कि अगर मैंने सच्चे दिल से प्यार की महानता को समझा है तो फिर मैं ही अपना सब कुछ छोड़कर उसके पास क्यों ना चला जाऊं, ताकि अगर उतना ऊंचा ना हो सकूं तो कम से कम उसकी ऊंचाइयों को छूने के काबिल तो हो जाऊं। ये तुम कह रहे हो गोपाल? हाँ, आज तक मैंने उसके साथ धोखा ही धोखा किया, आज मैं उसी का प्रायश्चित करने के लिए सब कुछ छोड़कर जा रहा हूँ। तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अपनी भाभी को छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं उसे लेकर जल्दी ही आऊंगा प्राण। तुम्हारे बगैर भी तो नहीं रह सकता। जाओ गोपाल जाओ, तुम सच्चाई के रास्ते पर जा रहे हो गोपाल, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, मगर जाले में एक बार मिल तो लो। देखो प्राण, विदाई को इस तरह जज्बाती बनाकर मेरे आंसू देखने की कोशिश, मैं जिंदगी में नहीं गया, मैं जा रहा हूं। अच्छा देवी, तुमने मुझे रास्ता दिखाया है, आशीर्वाद भी दो। लेकिन भैया, हमें भाभी नहीं दिखाओगे? दिखाऊंगा, लेकिन अभी मुझे अपने आप को उसे अपने कह सकने के काबिल तो बना लेने दो, और उसके लिए मुझे तपस्या करनी होगी। कब तक करनी होगी तो मैं भी नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। हाँ, अगले साल जब तुम भगदड़ से गुजरो तो हमारे यहां मेहमान ठहरना, मक्खे की रोटियां फेड़ों को दूध तुम्हें पिलाएं। गोपाल, thank you.
नीला आ गए बाबू। नीला ने पूछा है किसी का दिल लेकर क्या इसी तरह तोड़ दिया करते हैं। तुम कौन? उसकी एक सहेली। लेकिन भाई इतना डरावना अंधेरा क्यों कर रखा है? रोशनी का मतलब ये तो नहीं होता कि रोशनी भी न की जाए। जिनके दिल में प्यार की रोशनी नहीं होती उन्हें हमेशा अंधेरा डराया करता है बाबू। मैं कुछ समझा नहीं। क्यों समझोगे, शायद बाबू हो ना। लेकिन क्या यही बदला देना था तुम्हें उसका? उस जुड़ैल को साथ लाकर क्या अपनी शादी की खुशखबरी सुनाने आए थे उसे? तुम्हें ये ख्याल ना आया कि तुमने यहीं पर किसी से कुछ और भी वादे किए थे? तुमने ये ना सोचा कि प्यार करने वाले जहर खा के मर भी जाया करते हैं? जो तुम्हारी इंतजार में न जाने कब से टकटकी लगाई हुई थी आज हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई है। काश उसके लिए तुम्हारी आंखों से एक भी आंसू निकल आता तो उसके दिल की आग अच्छीता की आग न बन जाती। निर्दय बाबू, तुमने तो बरसती बरसात में आने का वादा किया था ना, अब तुम इसकी चिता की आग बनकर आए हो। इंतजार किया बहुत चंद घंटे और नहीं जी सकती थी। मेरे झूठे वादों को देर पार किया, मेरी सच्ची पूजा का इंतजार क्यों न किया? तुम्हें पता ही था तो एक बार मुझे अपनी शर्मिंदगी झोली मिली अपने दरवाजे से अंदर आते तो देख लिया होता।
तुम